जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल सागर ओके टेक में। तो दोस्तों, NMDC मेंटेनेंस असिस्टेंट और फील्ड अटेंडेंट के एग्जाम के लिए यहाँ पे हम पार्ट थ्री लेकर हाजिर हुए। तो दोस्तों, इससे पहले का अगर आपने पार्ट वन और पार्ट टू नहीं देखा तो उसको भी वॉच कर लीजिएगा। उसमें हमने जो बेल्लारी आपका डिस्ट्रिक्ट है उसका पूरा इतिहास, फिर उसका भूगोल, और जो हमारा सेकंड पार्ट था उसमें हमने देखे आपका जो शासन प्रबंधन था उससे बारे में काफ़ी इंपॉर्टेंट जो थियोरेटिकल हमने कम्प्लीट कर लिया है। ठीक है, तो अभी देखें आज के वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं आपका विधानसभा और संसदीय क्षेत्र, और फिर उसका जो है इकोनॉमिक्स उसको भी यहाँ पे डिस्कस करने वाले। तो देखिए, अभी ये एमसीक्यू क्लास नहीं है, सिर्फ हम थियोरेटिकली यहाँ पे जानने वाले हैं। क्योंकि देखिए, अगर आप थियोरेटिकल अगर करके गए तो देखिए आप एमसीक्यू में कंफ्यूज नहीं होंगे। ठीक है, तो देखिए अगर इतना ही क्लास भी आप लेके चले गए तो आप देखिए लगभग, अगर आप फील्ड अटेंडेंस है तो 70 में से देखिए लगभग आप 60 अबव क्वेश्चन है आप सही करके आ सकते हो। ठीक है, तो चलिए बिना देर का हम स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, अगर चैनल पर नए तो सब्सक्राइब कर देना इसी तरह के क्लासेस पाने के लिए। तो चलिए, तो देखिए जो आपका विधानसभा संसदीय क्षेत्र उसके बारे में अभी हम जानने वाले हैं। जो आपका ये जो हम जानने वाले हैं ये पूरा बेल्लारी डिस्ट्रिक्ट का ही है, जीके है। ठीक है, लोकल जीके। तो देखिए, जो आपका जिले में एक लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र है। ठीक है, तो जो कि जो आपका बेल्लारी डिस्ट्रिक्ट है तो उसमें क्या है, एक ही लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र है। तो ये जो पॉइंट में जैसे आपको पिछले वीडियो में बताया था, तो आप जो स्टेप बाय स्टेप जैसे मैं बताता हूँ वो नोट करते चले। ठीक है, तो देखिए एक क्या है उसमें लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र है यहाँ पे बेल्लारी डिस्ट्रिक्ट में। फिर देखिए ये क्या है, एक ये एक सब एक ही जो लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र एक है ST वालों के लिए क्या है, आरक्षित है। ठीक है, फिर देखिए 5 कर्नाटक विधानसभा निर्वाचित क्षेत्र में शामिल है। ठीक है, जो 5 कर्नाटक विधानसभा क्षेत्र है वो क्या है आपके निर्वाचन क्षेत्र में शामिल है, 5 कर्नाटक विधानसभा क्षेत्र। ठीक है, तो ये भी आप नोट कर लीजिएगा। साथ ही देखिए वो कौन कौन से 5 विधानसभा क्षेत्र है तो उसको भी हम एक बार देख लेते हैं। तो देखिए उसमें कौन कौन से, ये जो पॉइंट है 5 ये करना आप स्टेप बाय स्टेप नोट कर लेना। ठीक है, तो देखिए कौन कौन से 5 उसके विधानसभा क्षेत्र है। तो देखिए एक आपका कामपली हो जाएगा, फिर आपका सिरुगुप्पा, फिर देखिए बेल्लारी, फिर आपका जो बेल्लारी शहर है वो, फिर आपका संदूर। ठीक है, तो देखिए ये कुल मिलाकर 5 हो गए। आपको 5 भी आप स्टेप बाय स्टेप इसको नोट कर लेना, मैं एक बार आपको फिर से पढ़ के बताता हूँ जैसे कि आपके दिमाग में पूरा तरह से बढ़ जाए। ठीक है, तो देखिए फर्स्ट नंबर का हमारा कामपली, इस फिर आपका सिरुगुप्पा, देखिए थर्ड आपका बेल्लारी, फिर है बेल्लारी शहर और आपका संदूर। ठीक है, तो देखिए इसमें आपसे ऐसे भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि मान लीजिए ये फर्स्ट नंबर के 3 दे दिए और फोर्थ ऑप्शन पे मानो कौन सा दूसरा भी जो है आपका क्षेत्र दे दिया, फिर आपको बोला जाए कि ऑड वन आउट की जैसा, यानी इनमें से कौन सा सही नहीं है। ठीक है, तो ऐसे भी इसी तरह से भी आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो घुमा फिरा के। तो इसलिए देखिए आप जो है 5 के 5 यहाँ पर नोट कर लीजिएगा और साथ ही इसको भी याद भी कर लीजिएगा। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं अभी हमारे अगले पॉइंट्स की तरफ। साथ ही एक और जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है आप नोट कर लीजिएगा, देखिए जो आपका सेकंड वाला हमने देखा था सिरुगुप्पा, देखिए इसके बारे में काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एग्जाम में भी पूछा जा सकता है। तो देखिए जो आपका सिरुगुप्पा का विधानसभा क्षेत्र है वो क्या कुप्पल के संसदीय क्षेत्र का हिस्सा है। ठीक है, जो आपका सिरुगुप्पा का जो आपका विधानसभा क्षेत्र है वो क्या आपका जो कुप्पल है, ठीक है, कुप्पल का क्या विधानसभा जो संसदीय क्षेत्र है उसके हिस्सा है। ठीक है, ये बात आप याद रखना। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको भी आप नोट कर लीजिएगा। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं अभी हमारे अगले इंपॉर्टेंट पॉइंट की तरफ। तो देखिए अभी हम देखने वाले कि जो आपका बेल्लारी डिस्ट्रिक्ट है, ठीक है, बेल्लारी डिस्ट्रिक्ट से जो आपके इकोनॉमिक्स से क्वेश्चन बन सकते हैं तो उसका पहले थियोरेटिकल हम पूरा जानने वाले हैं। ठीक है, देखिए तो अर्थव्यवस्था का हम जानने वाले हैं अभी। तो देखिए इस जिले का प्रमुख व्यवसाय क्या है, कृषि है। ठीक है, इसी तरह से भी आपको पूछा जा सकता है कि जो आपका बेल्लारी जिला है तो उसका प्रमुख जो व्यवसाय है वो कौन सा है। तो ठीक है, तो उसका ये पॉइंट नोट कर लीजिए, इसका प्रमुख जो व्यवसाय है वो कौन सा है आपका, कृषि। ठीक है, कृषि जो है इसका बेल्लारी जिले का प्रमुख व्यवसाय है। ठीक है, तो कृषि यहाँ पे ज़्यादा की जाती है। और साथ ही देखिए इसकी कुल श्रम शक्ति का देखिए 75% अपनी आजीविका के लिए कृषि पर निर्भर रहता है। ठीक है, तो देखिए जो आपका बेल्लारी डिस्ट्रिक्ट है, ठीक है, बेल्लारी डिस्ट्रिक्ट में जो भी यानी कुल मिलाकर जितने भी श्रमिक है तो उसमें से देखिए लगभग मान लीजिए 75 या फिर कई बार आपको देखिए 76 या 74 भी यानी प्लस माइनस में आपको दिख जाएगा। ठीक है, तो वो उसको भी आप टिक कर दे तो वो भी आपका राइट हो जाएगा। ठीक है, तो लगभग देखिए आपका जो 75% जो आपके श्रमिक है वो क्या आपके जिसका प्रमुख व्यवसाय है, ठीक है, तो कृषि पर निर्भर है। ठीक है, लगभग 75% श्रमिक जो है आपके कृषि पर निर्भर है। फिर देखिए यहाँ पे कपास हो गया, फिर ज्वार, मूँगफली, चावल, सूरजमुखी और अनाज उगाई जाने वाली महत्वपूर्ण फसलें हैं। ठीक है,
देखिए इसके ये भी आपको पूछ लिया जा सकता है कि इसमें जो उगाई जाने वाली महत्वपूर्ण फसलें, मान लीजिए तीन चार, एक दो और तीन आपको दे दिया जाए, फिर चौथे में आपको मान लीजिए चना वगैरह ऐसा कुछ दे दिया जाए, ठीक है। तो आपको पूछा जाए तीन में से कौन सा जो है आपका बेल्लारी डिस्ट्रिक्ट में उगाया नहीं जाता, ठीक है। इस तरह के आपको पूछ लिया जा सकता है, इसलिए जो है आप सभी जो एक बार स्टेप बाय स्टेप नोट कर लीजिएगा, ठीक है। तो देखिए एक बार हम देख लेते फिर से, देखिए कपास, ज्वार, मूंगफली, चावल, सूरजमुखी और अनाज, ये जो है आपका एक दो तीन चार पाँच छः, कुल मिला के छः जो है आप अच्छे से पढ़ लीजिए और साथ ही नोट भी करते चलिए, ठीक है। तो देखिए ये जो छः फसलें है ये क्या है, इसमें उगाई जाने वाली महत्वपूर्ण फसलें बेल्लारी डिस्ट्रिक्ट में, ठीक है। फिर देखिए आपका शुद्ध सिंचित क्षेत्र, कुल बोए गए क्षेत्र का देखिए आपके 37%, ठीक है। तो देखिए जो आपका प्योर सिंचित क्षेत्र है यानी जो आपका शुद्ध सिंचित क्षेत्र है, ठीक है, शुद्ध सिंचित क्षेत्र है, तो जो कुल बोए गए क्षेत्र है, ठीक है, जो बोया हुआ जो कुल क्षेत्र है, तो उसका लगभग देखिए 37% जो है आपका शुद्ध सिंचित क्षेत्र है, ठीक है। कुल बोए हुए क्षेत्र का 37% क्या है आपका शुद्ध सिंचित क्षेत्र है, ठीक है। तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, तो ये भी आपको कभी कभार पूछ लिया जा सकता है, ठीक है। क्योंकि देखिए सिर्फ ये बेल्लारी डिस्ट्रिक्ट से आपके क्वेश्चन बनने वाले हैं, तो देखिए इसमें काफ़ी डीप में वो पूछता है, ठीक है। तो ये भी बातें आप याद रखना और साथ ही स्टेप बाय स्टेप सभी पॉइंट को नोट करते जाना, मैं इसलिए आपको बार बार बोल रहा हूँ, ताकि देखिए अगर आप नोट्स नहीं बनाएंगे तो देखिए एग्जाम के वक्त आपको फिर से जो वीडियो पॉज कर करके देखना पड़ेगा, ठीक है। तो अभी देखिए फिलहाल में टाइम है, तो अच्छे से नोट्स बनाइए, क्योंकि आपको देखिए एक ही बार अच्छा सा अटेम्प्ट कीजिए और अच्छा पढ़ाई करके देखिए एक ही अटेम्प्ट में जो आप एग्ज़ाम क्वालिफाई कर लीजिए, ठीक है। क्योंकि देखिए बार बार इसका फॉर्म निकलता नहीं है, निकलेगा भी तो फिर देखिए एक दो साइकिल के बाद निकलता है, ठीक है। तो देखिए अभी आप कर रहे हैं तो पूरा जोर लगा दीजिए, साथ ही एक ही बार में निकाल दीजिए, ठीक है। तो चलिए अभी बढ़ते हैं हमारे अगले इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की तरफ। देखिए अगला हमारा पॉइंट है कि जो आपका 1998 तक, ठीक है, देखिए 1998 तक क्या था, जो आपका सिंचाई का मुख्य स्रोत था, ठीक है, सिंचाई का जो मुख्य स्रोत था वो कौन सा था, आपका तुंगभद्रा बांध था। तो अभी कभी पूछ लिया जा सकता है कि ये तुंगभद्रा बांध जो वर्तमान में कहाँ स्थित है, तो देखिए जो वर्तमान में स्थित है आपका जो कर्नाटक का विजयनगर है, ठीक है, विजयनगर जो वहाँ पे क्या स्थित है। तो देखिए आपको कमेंट में बताना, अगर आपने हमारे पिछले क्लास देखी तो आपको पता भी होगा कि ये जो विजयनगर है ये कर्नाटक का कितवा जिला है, ठीक है, यानी कौन सा जिला, तो ये आपको कमेंट में बताना है, ठीक है। और देखिए नहर नेटवर्क जिले के सिंचित क्षेत्र का देखिए 64 यहाँ पे हिस्सा है। तो देखिए अभी हमने पूछे ऊपर देखा था, तो ये देख सकते हैं आप जो आपका शुद्ध सिंचित क्षेत्र है कुल बोए क्षेत्र का कितना है 37%। अगर बात करें जो आपका नहर है, ठीक है, सिर्फ नहर, तो देखिए नहर जो है आपका जो सिंचित क्षेत्र के कुल मिलाकर देखिए आपके 64% जो आपका नहर है, ठीक है, सिंचित क्षेत्र में। तो दोस्तों देखिए इस वीडियो में हमने जो आपका इकोनॉमिक्स भी यहाँ पे कंप्लीट कर लिया, ठीक है। तो देखिए जो भी इकोनॉमिक्स है और जो हमने अभी ऊपर डिस्कस किया था, तो उससे जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट आपके बन सकते हैं तो उनको मैंने पूरा आपको बताया, साथ ही आशा करता हूँ कि आपने नोट भी कर लिया होगा। तो देखिए ये पॉइंट्स अच्छे से नोट कर लीजिए और साथ ही जो पिछले जो क्लासेस हुए थे उसमें भी मैंने काफ़ी इंपॉर्टेंट जो है आपका सिलेबस के अकॉर्डिंग पूरा अच्छे से कवर करवाया, तो उसको भी आप अच्छे से वीडियो देख लीजिए और साथ ही जो है स्टेप बाय स्टेप नोट्स बनाते रहिए। तो देखिए दोस्तों आज की इस वीडियो में इतना ही, देखेंगे जिसके आगे का है, यानी इसमें देखिए आगे हम डिस्कस करने वाले इसकी इंडस्ट्रीज के बारे में, ठीक है, इंडस्ट्रीज, फिर उसकी देखेंगे खुदाई के बारे में, ठीक है, खुदाई, फिर उसकी राजनीति, तो सब कुछ अभी बहुत देखना बाकी है। तो देखिए काफ़ी स्टूडेंट मुझे बोलते थे कि सर जो आप ज़्यादा लेंदी वीडियो मत बनाइए, तो इसलिए दोस्तों जो मैं लगभग देखे 10 मिनट्स या फिर कभी कभार 8 मिनट का 8-5 वीडियो आपके लिए बनाता हूँ, जिसमें हम देखे लगभग 2 टॉपिक यहाँ पे कवर करते, तो इस वीडियो में हमने देखे कुल मिलाकर 2 टॉपिक यहाँ पे कवर कर लिए, ठीक है। तो अभी जो हमारे अगले इंपॉर्टेंट पॉइंट और टॉपिक है, तो उसको हम अगले वीडियो में यहाँ पे देखने वाले। तो ये वाला वीडियो दोस्तों आपको कैसा लगा साथ ही कमेंट में भी लिखते चलना, अगर अच्छा लगा तो लाइक कर देना, शेयर कर देना और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये वीडियो जो आपको भेज देना दोस्तों, जो भी आपके ग्रुप्स वगैरह है, ठीक है। तो दोस्तों अगर चैनल पर नए तो सब्सक्राइब कर देना और साथ ही बेल आइकन जो है प्रेस कर देना। तो मिलते दोस्तों हमारे अगले वीडियो के साथ, जय हिंद।